हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी इसमें अपने क्या है किडनी, यूरेटर और ब्लेडर तीनों आते हैं, इनकी स्टडी अपने कर रहे थे। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है IVP और IVU, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जिसके पढ़ने क्या है इंडिकेशंस, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पेशेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एनाटॉमी पढ़ ली थी, ये सारे अपने पढ़ लिए थे। तो पहले अपने थोड़े से इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। किडनी, यूरेटर, ब्लेडर में अपने नॉर्मली देखें तो अपनी दो किडनीज होती है, दो यूरेटर्स होते हैं और एक ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की तुलना में क्या थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इसमें क्या है लीवर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये मिड यूटरस हो गया, ये अपर यूटरस हो गया और ये लोअर यूरेटर्स हो गए। जो अपना ब्लेडर है, इस ब्लेडर क्या है यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा में दो वॉल्स होते हैं, प्री यूरेथ्रल वॉल्स और पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्स। जो प्री यूरेथ्रल वॉल होता है वो अनैच्छिक होता है, यानी इनवॉलेंट्री सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, और जो पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्स होता है आगे का वो क्या होता है ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री सिस्टम के द्वारा, वो यानी वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखो इसमें अपने डायग्राम में दिखा रखा है, जो ये इसके अंदर किडनी के अंदर क्या ट्रीनुमा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम, जिसमें एक होता है ये जो आउटर कवरिंग होती है, इसको अपने बोलते हैं रिनल कोर्टेक्स। इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं रिनल पेल्विस, और ये वाला पार्ट है इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं रिनल मेडुला। और जो यूरेटर किडनी में एंटर करता है, जहाँ जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को अपने क्या बोलते हैं PUJ, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। और जो यूरेटर्स का ब्लेडर में एंटर होता है, यानी जो ब्लेडर में इसका जंक्शन बनता है उसको अपने क्या बोलते हैं VUJ, वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। ये अपने क्या है दो जंक्शंस हो गए, इनकी स्टडी अपने आगे करते हैं। तो अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात कर ली थी, जैसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या कोई भी कैलकुलाई हो गई है, कोई यानी एक साइड की किडनी रुक गई है, एक्टोपिक किडनी हो गई, ये सारे क्या अपने कॉन्ट्रास्ट सॉरी इंडिकेशंस थी। अब इसके आगे अपने पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले था अपना AST, एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको अपने कंटिन्यू करते हैं। फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ IVP, एन एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड प्रायर टू द एग्जामिनेशन टू रिड्यूस द एनी सस्पेक्टेड रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आयोहेक्सोल, यानी एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें देखो अपने नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, जो अपना सॉल्यूशन है उसका एलर्जी टेस्ट अपने करवाएंगे कि इस सॉल्यूशन से पेशेंट को रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या पूरे अपने ब्लड में मिलके फिल्टर होता हुआ किडनी में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा और फिर ब्लेडर में आएगा, हार्ट तक जाएगा। तो इसलिए अपने क्या पूरा इसका पहले एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं। इसमें क्या लिखा है अपने प्रोसीजर को डायग्नोस करने से पहले IVP में अपने एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि अपने इससे होने वाले रिस्क और एलर्जिक रिएक्शन को कम कर सके। ये टेस्ट किसका करवाते हैं अपने आयोहेक्सोल का। पेशेंट विद एनी प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन कैन बी प्रेस्क्राइब्ड ए प्रोफिलेटिक स्टेरॉइड इंजेक्शन सच एज डेक्सामेथासोन प्रायर टू द
एग्जामिनेशन टू प्रिवेंट द रिस्क। अगर अपने को लग रहा है कि इसके कोई प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तो अपने क्या है प्रोफिलेटिक स्टेरॉयड इंजेक्शन आता है जैसे कि डेक्सामेथासोन, तो वो इंजेक्शन अपने क्या है पेशेंट को एग्जामिनेशन से पहले लगा सकते हैं, किस लिए रिस्क से बचने के लिए। इसके बाद अपना आता है RFT रिनाल फंक्शनल टेस्ट, जिसमें क्या होता है सीरम क्रिएटिनिन, जिसमें मेल्स में होता है 0.6 से 1.2 एमजी डीएल, जिसको अपने क्या बोलते हैं डेसी लीटर, और फीमेल में कितना होता है 0.5 से 1.1 एमजी पर डीएल, ब्लड यूरिया में कितना होता है 7 से 20 एमजी पर डीएल। ये इसका क्या है एक माप बताया गया है, वॉल्यूम बताया गया है। आगे इसको अपने पढ़ते हैं, पेशेंट विद पुअर RFT रिनल फंक्शनल टेस्ट और वेरी इंक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया, अगर पेशेंट की बहुत कम फंक्शनल टेस्ट यानी जो अपने करवाया है वो बहुत पुअर आ रहा है या उसकी सीरम क्रिएटिनिन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं। अगर ये सारे टेस्ट के नॉर्मली आ रहे हैं तो ही अपने क्या करेंगे प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडिकेट्स दैट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और पुअर रिनल फिजियोलॉजिकल इज देयर सो दैट इन सच केसेस रिनल आउटपुट इज वेरी लो इफ द आयोडिनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस इन सच पेशेंट आल्सो इट विल नॉल एफिशिएंसी एक्सक्रिएटेड बाई किडनी। अगर पेशेंट का क्या है RFT बहुत पुअर आ रहा है, उसको फिजियोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो उस केस में अपन ने क्या अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को दे दिया तो पेशेंट क्या है रिनल पेशेंट का रिनल आउटपुट बहुत लो है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट को अपने आयोडिनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पेशेंट क्या है उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगा, यानी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी, फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। अगर पेशेंट का ये टेस्ट आ रहा है सही आ रहा है तो ये अपने क्या प्रोसीजर को आगे करते हैं। सो दैट इन सच केसेस IBP शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, अगर ये केसेस अपने हो रहे हैं तो अपने IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका पूरा अपने को ध्यान रखना है, AST एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट और RFT रिनल फंक्शनल टेस्ट, ये दोनों अपने अच्छी तरह करवाते हैं, अगर बाय चांस थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो रहा है तो अपने ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सारे फंक्शन टेस्ट अपने सही आएंगे तभी अपने क्या प्रोसीजर को करेंगे। इसके बाद में है RFT इज ऑलवेज नेसेसरी प्रायर टू द IVP प्रोसीजर सो दैट वी कैन गेट एन एस्टिमेशन ऑफ द ग्रेड ऑफ सीवियरिटी ऑफ द रिनल डायफंक्शनल फंक्शन। इसमें क्या अपने RFT पहले नेसेसरी यानी बहुत एग्जामिनेशन प्रोसीजर से पहले करवा लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या अपने को एस्टिमेशन पता चल जाता है कि कितना कॉन्ट्रास्ट देना है, किस हिसाब से फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो सारा अपने को क्या इसमें प्रोसीजर का पता लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन कौन सी अपनी बोवल प्रिपरेशन, एंड बोवल मैंने पेशेंट की इंटेस्टाइन वगैरह भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि देखो अपनी किडनी कहाँ आती है एब्डोमिनल रीजन में, अगर एब्डोमिनल रीजन में अपनी किडनी आती है तो अपने क्या है एब्डोमिनल रीजन की जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको भी अच्छी तरह साफ रखना पड़ेगा, उनकी भी अच्छी तरह स्टडी करनी पड़ेगी, यानी उनको भी पूरा एम्पेटिक करवाना पड़ेगा, तभी अपना क्या है अच्छी तरह प्रोसीजर हो पाएगा और अपने प्रोसीजर में सारी चीज़ें देख पाएंगे। नहीं तो क्या है जैसे गैस हो गई या कोई फ्लूड हो गया तो उससे अपना जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो सुपर इम्पोज हो जाएगा और इमेज अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो इसमें देखो वी शुड टेल द पेशेंट
फॉर बोवल प्रिपरेशन, अपने पेशेंट को बोवल प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या राय देते हैं, वो अपने इसमें आगे पढ़ते हैं। ए गुड लग्जेटिव सच एज लेक्टुलोज कैन बी प्रेस्क्राइब्ड टू द पेशेंट टू इंक्रीज द बोवल मोशन ऑफ द पेशेंट फॉर इम्पेटिंग द बोवल सो दैट एनी फिकल मटेरियल और गैस ईटीसी विल नॉट ओवरलैप द किडनी एंड यूरेटर। ये लाइन देखो अपनी क्या बता रही है, अगर पेशेंट को अपने बोवल प्रिपरेशन करवानी है, अगर बाय चांस उसको क्या है कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो अपने पेशेंट को एक अच्छी लग्जेटिव ड्रग देते हैं, जैसे कि लैक्टुलोज हो गया। किस लिए देते हैं? कि पेशेंट की जो बोवल मोशन है वो इंक्रीज हो जाए, और उससे उसकी पेशेंट की पूरी बोवल है वो यानी इंटेस्टाइन वो एम्पेटी हो जाए, जिससे अपने क्या फिकल मटेरियल गैस वगैरह सब क्या है बाहर निकल जाए और इंटेस्टाइन एम्पेटी हो जाए। तो अपने क्या होगा जो किडनी में सॉरी उस इंटेस्टाइन में गैस वगैरह होती है उससे क्या अपनी किडनी और यूरेटर ओवरलैप नहीं होंगे। अगर सब कुछ एम्पेटी होगा पूरी इंटेस्टाइन तो वहाँ कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा। अगर बाय चांस उसमें क्या है फिकल मटेरियल गैस कोई भी फ्लूड रह जाता है तो क्या है वो किडनी या यूरेटर पे ओवरलैप हो जाएगा, तो उसकी इमेज क्लियर नहीं आ पाएगी। वी शुड टेल द पेशेंट टू टेक ओनली लो रेजिडुअल डाइट एट लीस्ट 2-3 days बिफोर द प्रोसीजर एंड पेशेंट शुड नॉट ईट एनीथिंग एट लीस्ट 8-9 hours बिफोर द प्रोसीजर। अपने पेशेंट को कहेंगी कि प्रोसीजर से 2-3 दिन पहले तक हल्की डाइट लेना स्टार्ट कर दे, यानी पेशेंट को हल्की डाइट एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले पेशेंट को हल्की डाइट स्टार्ट करनी है, और जिस दिन पेशेंट को प्रोसीजर करवाना है उस दिन पेशेंट को प्रोसीजर से 8-9 घंटे तक पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे, पेशेंट को बिल्कुल भूखा रखते हैं। ए कोर्स ऑफ चारकोल टेबलेट्स ऑफ 4 tablets थ्राइस ए डे। ये इसमें क्या है एक चारकोल टेबलेट का कोर्स होता है जो क्या है थ्राइस ए डे 4 tablets दी जाती है दिन में 3 बार थ्राइस ए डे, यानी चारकोल टेबलेट्स का एक कोर्स होता है वो भी अपने क्या पेशेंट को दे सकते हैं। वो टेबलेट दिन में 3 बार दी जाती है 4 tablets, यानी एक बार में पेशेंट को 4 tablet देंगे फिर 4 देंगे फिर 4 देंगे, यानी 4-4 tablet करके पेशेंट को दिन में 3 बार टेबलेट देंगे। ये चारकोल टेबलेट का एक कोर्स होता है यानी उसका एक शेड्यूल होता है। तो दिन में अपनी कितनी टेबलेट हो गई 4 × 3 = 12 tablets। एज इट इज वेरी गुड गैस एब्जॉर्बेंट सो दैट इट एब्जॉर्ब द बोवल गैस। ये क्या होती है गैस एब्जॉर्बेशन बहुत ज्यादा होता है इसका, तो ये क्या करेगी जो बोवल की गैस है उस सारी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी। वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द फ्लूड इनटेक इन द डायबिटिक पेशेंट एंड इन्फेंट्स। अगर अपने क्या है प्रोसीजर डायबिटिक पेशेंट या इन्फेंट्स का कर रहे हैं तो अपने पेशेंट को डाइट लेने के लिए मना नहीं करेंगे, यानी फ्लूड इनटेक फ्लूड लेने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि हल्का फुल्का फ्लूड ले ले, क्योंकि पेशेंट बिना फ्लूड नहीं रह पाएगा। जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट हो या इन्फेंट्स हो उनको अपने फ्लूड के लिए मना नहीं करते हैं। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। ये सारी अपनी क्या पेशेंट प्रिपरेशन हो गई जिसमें अपना AST एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया, RFT रिनाल फंक्शनल टेस्ट हो गया, बोवल प्रिपरेशन यानी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की प्रिपरेशन है वो सारी प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद आता है अपना प्रोसीजर। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। वी शुड टेल द पेशेंट लाई सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल। अपने पेशेंट को बोलेंगे कि सुपाइन पोजीशन पे सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेट जाए।
नेक्स्ट क्या है, पेशेंट शुड बी फास्टिंग एंड वॉइड प्रायर टू द प्रोसीजर टू एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर। अपने पेशेंट को बोलेंगी कि फास्टिंग आए यानी भूखे पेट एग्जामिनेशन में अपने पास आए और वॉइड यानी यूरिनेशन करके आए, एंड जो अपना ब्लैडर होता है वो यूरिन से अच्छी तरह खाली करके आए। यानी पेशेंट को आने से पहले अपने क्या बोलेंगे, जो अपने ब्लैडर को एम्प्टी करके आए और फास्टिंग आए भूखे पेट आए, ये अपने प्रोसीजर स्टार्ट करते टाइम बातें ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले अपने लेते हैं फर्स्ट फिल्म, इसमें क्या अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग इमेज ली जाएगी। जैसे कि सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट किडनी में गया वहाँ की इमेज ले ली, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट यूरेटर्स में आए तो उसकी इमेज ले ली, फिर कॉन्ट्रास्ट ब्लेडर में आए तो उसकी इमेज ले ली। इस प्रकार से क्या इसमें अलग अलग इमेज ली जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे फर्स्ट फिल्म, देन वी शुड टेक ए प्रीलिमिनरी फिल्म टू एक्सेस द बोल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट सुपाइन कैयूबी एक्सरे। अपने पेशेंट की क्या है प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं, यानी प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले एक फिल्म लेंगे, किस लिए लेते हैं बोल प्रिपरेशन चेक करने के लिए। यानी पेशेंट की बोल प्रिपरेशन चेक करते हैं प्रोसीजर से पहले फिल्म लेके, जिसमें अपने को पता लग जाता है कि बोवल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई भी गैस नहीं है, कोई भी फ्लूड नहीं है, अपने को क्या है किडनी यूरेटर ब्लेडर अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। ये कौन सा व्यू होता है सुपाइन कैयूबी एक्सरे अपने लेते हैं। नेक्स्ट है देन वी शुड आइदर इंसर्ट द कैनुला और आईवी सेट इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट एंड रेडियोलॉजिस्ट कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफर। अब अपने क्या करेंगे, जो अपना कैनुला होता है उसको या आईवी सेट इंट्रावेनस सेट होता है यानी अपने इंट्रावेनस में वेनस में लगाने के लिए वेन्स में लगाने के लिए जो कैनुला होता है उसको अपने क्या है वेन में इंसर्ट करते हैं, यानी अपने कैनुला लेते हैं और उसको पेशेंट की वेन में इंसर्ट करेंगे। और रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करवाएगा किसकी सहायता से रेडियोग्राफर की सहायता से। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया वी शुड ऑब्जर्व द पेशेंट अबाउट हिज कॉन्शियसनेस एंड आल्सो वी नीड टू टेक फॉर एनी डिसकम्फर्ट। जिस टाइम अपने क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम पेशेंट का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, उसके पेशेंट की जो मूवमेंट्स होती है उसको अपने ऑब्जर्व करते हैं और अपने चेक करते हैं कि पेशेंट कॉन्शियसनेस है या नहीं है, और पेशेंट को अपने बार बार पूछते रहते हैं कि कोई भी डिस्कम्फर्ट वगैरह फील तो नहीं हो रहा है। यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करते टाइम अपने पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेक करते हैं और पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो उसके बारे में अपने पूछते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन इट्स एप्रोप्रिएट डोज, क्या करते हैं अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक एप्रोप्रिएट डोज में, उचित डोज में, जितनी डोज अपने को देनी चाहिए और जिस रेट से या जिस रेशियो से देनी चाहिए वैसे वैसे अपने क्या है धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद अपने ली जाती है इंट्रोड्यूस करवाने के बाद सेकेंड फिल्म, तो अपने सेकेंड फिल्म की बात करेंगे। यानी अपन ने क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवा के छोड़ दिया, अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया धीरे धीरे ब्लड में जाएगा तो हार्ट से होता हुआ किडनी में जाएगा, किडनी की फिल्ट्रेशन करेगी, फिल्ट्रेशन करने के बाद किडनी में रुकेगा फिर यूरेटर्स में आएगा, तो ये सारा क्या अपना प्रोसीजर होता है। तो यानी सेकेंड फिल्म लेते हैं अपने 5 मिनट बाद, तब तक ये सारा प्रोसीजर चलता रहता है। आफ्टर सॉरी 8-5 मिनट आफ्टर वी नीड टू टेक एन एक्सरे इमेज इन सुपिनेशन कैयूबी पोजिशन टू गेट द नेफ्रोग्राम, यानी किडनी को अपने क्या बोलते हैं नेफ्रोग्राम नेफ्रो, तो किडनी की जो इमेज अपने ले रहे हैं तो उसको अपने बोलते हैं
नेफ्रोग्राम। तो जो 5 मिनट बाद अपने जो इमेज लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाने के 5 मिनट बाद जो अपने इमेज लेते हैं वो लेते हैं पेशेंट की सुपाइन KUB पोजिशन में, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नेफ्रोग्राम। यानी 5 मिनट बाद लेने वाली इमेज को अपने नेफ्रोग्राम बोलेंगे और ये पेशेंट की सुपाइन KUB पोजिशन में लेते हैं। एंड एब्डोमिनल कंप्रेशन शुड बी यूज्ड टू रिटेन द कॉन्ट्रास्ट इन द PCS पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम। अब अपने क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कंप्रेशन बेल्ट जो मैंने आपको क्या है इक्विपमेंट्स में लिखवाया था उसका काम अभी अपने आएगा। तो एब्डोमिनल कंप्रेशन बेल्ट का क्या करते हैं, एब्डोमन पे अपने बेल्ट को कसकर बांध देते हैं, जिससे क्या है अपने यूटेरस आगे से थोड़े से दबाव में आ जाएंगे। जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो क्या है, किडनी और यूरेटर में ना स्टार्ट होगा। किडनी पहले उससे कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी में रुकेगा और फिर वहां से क्या आना स्टार्ट होगा। तो किडनी और यूरेटर के बीच कौन सा जंक्शन होता है अपना, PCS यूरेट्रिक, कौन सा जंक्शन होता है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन PUJ हो गया। और किडनी में कौन सा सिस्टम होता है, PCS पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम। तो अपने पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम को कॉन्ट्रास्ट फील्ड देखने के लिए एब्डोमिनल कंप्रेशन बेल्ट का यूज करते हैं। ये देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है अपन ने क्या है, एब्डोमन पे कंप्रेशन बेल्ट लगा दिया। एब्डोमन पे कंप्रेशन बेल्ट लगाने से क्या होगा, यूरेटर्स यहाँ से क्या थोड़े दबाव में आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, तो अपना जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो कहाँ पे रुकेगा, पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम में, इस सिस्टम में, और PUJ जंक्शन में और यूरेटर में आना स्टार्ट होगा। रिटेंड कॉन्ट्रास्ट इनटू द PCS ऑफ बोथ किडनी, यानी दोनों पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम में अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया रुका हुआ है और वो क्या है उस टाइम अपन ने क्या कंप्रेशन बेल्ट लगा के इमेज ले ली। ये अपनी कौन सी होगी, फर्स्ट इमेज, सॉरी ये हो गई अपनी सेकंड इमेज। तो प्रोसीजर में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले AST किया, एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, फिर RFT रिनल फंक्शनल टेस्ट, और उसके बाद किया अपन ने बोल प्रिपरेशन। फिर अपने स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले अपने लेते हैं प्रीलिमिनरी फिल्म, यानी प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले, किस लिए, बॉल प्रिपरेशन को असेसमेंट करने के लिए, यानी बॉल प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, यानी पेशेंट की पूरी बॉल एम्प्टी है या नहीं है, उसमें कोई गैस फ्लूड वगैरह तो नहीं है, किडनी यूरेटर ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं, ये सब अपने करते हैं फर्स्ट फिल्म में, यानी प्रीलिमिनरी फिल्म में। उसके बाद अपने लेते हैं सेकेंड फिल्म, जब अपना क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर देते हैं तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया धीरे धीरे पेशेंट में जाएगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी में आएगा, किडनी के PCS सिस्टम में आएगा, और फिर क्या यूरेटर में ना स्टार्ट होगा। तो अपने यूरेटर में उसको नहीं आने देने, अपने क्या कंप्रेशन बेल्ट का यूज़ करेंगे और यूरेटर को अपने कस के बांध देते हैं, यानी एब्डोमन को बांध देंगे तो यूरेटर क्या कंप्रेस हो जाएंगे, जिससे आगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं आ पाएगा और अपने को PCS सिस्टम पूरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फील्ड दिखाई देगा। ये हो गई अपनी सेकेंड इमेज। अब अपने थर्ड इमेज में जैसे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूरेटर्स फील्ड दिखाई देगा, फिर ब्लेडर में आएगा, वैसी को यूरेटर जंक्शन दिखाई देगा, वो सारे अपने सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ अपनी होगी फर्स्ट फिल्म और सेकेंड फिल्म, बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।